अच्छे ब्लॉक के लिए आपको चाहिए रफ्तार, आपको चाहिए स्पीड, आपको चाहिए एनर्जी। इंडिया का क्या, दुनिया का हर ब्लॉगर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं उसका यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, कैसे आप एक अट्रैक्टिव व्लॉग बना सकते हो, ये वीडियो है कैसे आप एक अट्रैक्टिव व्लॉग बना के आपका वॉच टाइम बहुत ज्यादा इन्हांस कर सकते हो। अगर आपका व्लॉग अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपका व्लॉग का वॉच टाइम भी नहीं ज़्यादा आएगा। अगर वॉच टाइम ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों, आपका जो वीडियो है उसको सजेशन में भी यूट्यूब भैया नहीं भेजेगा। सो गाइस, आज आपका भाई मैं विशाल आपको देने जा रहा हूँ ऐसे यूनिक 4 टिप्स जिस टिप को इस्तेमाल करके आप आपका व्लॉग को बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सेक्सी मैन। दोस्तों, आपका भाई का तो एक्चुअली 2 चैनल है, एक चैनल तो ये है और दूसरा चैनल है दैट इज कॉल्ड द विशाल लाइफस्टाइल। सो गाइस, इस चैनल में मोर देन 160 वीडियोस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा चैनल में तो 100 से भी ज़्यादा वीडियो है। सोच सकते हो आपका भाई का तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बन चुका है व्लॉग के बारे में, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता सकूँ। इंडिया का क्या, दुनिया का हर ब्लॉगर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं उसका यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। सो दोस्तों, ऐसे ही 4 यूनिक टिप्स इस वीडियो में आप जानना चाहते हो शायद, जिसको सुनकर अगर आपका भी कोई ब्लॉगिंग का चैनल है उसका स्पीड अप आप बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड, व्लॉग बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है व्लॉग को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, स्टोरी कैसे बोल रहे हो, आपके दोस्तों के साथ कैसे आप कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो। यूजुअली हर बिगिनर ब्लॉगर 2 मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आप लोग फॉलो करते हो उस जन का टिप्स और ट्रिक्स जो खुद ही एक ब्लॉगर नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा मिस्टेक जो करते हो, आप फोकस करते हो ऑन द वीडियो यूट्यूब कब सजेशन में भेजेगा, आप फोकस नहीं करते हो कैसे आप यूट्यूब वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्योंकि गाइज, अगर आपका वीडियो अट्रैक्टिव नहीं है आपका वॉच टाइम नहीं आएगा, लोग 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड देखकर छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा, वॉच टाइम से पता चल जाएगा यूट्यूब भैया को कि आपका वीडियो अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आपका वीडियो अट्रैक्टिव नहीं है तो वीडियो उसको सजेशन में नहीं मिलेगा। सो सजेशन में नहीं आएगा तो आपका वीडियो नहीं चलेगा, व्यू नहीं आएगा, आपका सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा। अच्छे ब्लॉग के लिए आपको चाहिए रफ्तार, आपको चाहिए स्पीड, आपको चाहिए एनर्जी। गाइस, ये वाले स्पीड, ये वाले एनर्जी, ये वाले दौड़ भाग के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आपको चाहिए स्पीड और या तो आपको चाहिए इमोशनल ड्रामा। मीन्स मेरा तो रोना ही आ रहा है। अरे ये क्या बकवास मैं कर रहा हूँ, बट गाइज ये सच है। एक अच्छा ब्लॉग अगर बनाना चाहते हो, अट्रैक्टिव ब्लॉग बनाना चाहते हो, आपको ब्लॉग में चाहिए सुपर डुपर स्पीड और इमोशन। क्योंकि एक साइकोलॉजी है, अगर ब्लॉग में स्पीड है, स्पीड का मतलब ये नहीं है भाग दौड़ वाला स्पीड। स्पीड के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज बैक टू बैक आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बैक टू बैक आप नया नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा चीज़ दिखा रहे हो बैक टू बैक जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है और इंटरेस्टिंग तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप बहुत ही बढ़िया सा कोई काम कर रहे हो बट आपका बोलने में स्पीड नहीं है, जैसे बात कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में इतना एनर्जी नहीं है, स्पीड अप नहीं है, तो क्या होगा, उस इंटरेस्टिंग चीज़ को भी अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो व्लॉग यूजुअली इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और दूसरा जो चीज़ मैंने बताया, इमोशन। गाइस, इंडियंस हम लोग जो हिंदुस्तानी है बहुत इमोशनल है, हम लोग इमोशन के साथ झट से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई इमोशनल कोई टॉपिक के ऊपर अगर ब्लॉग बना रहे हो, लोग उसके साथ भी कनेक्टेड इजीली हो जाता है। सो गाइस, आपको ख्याल रखना है, ब्लॉग में चाहिए आइदर आपको स्पीड, दूसरा आपको चाहिए इमोशन, किसी भी एक को पकड़ लो। और अगर अच्छा होगा दोनों का ही अगर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं खड़ा हूँ कोलकाता एयरपोर्ट के सामने, प्लेन ऊपर नीचे जा रहे आ रहे हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा नॉइज़ है, बट इट इज़ गुड। इसे बोला जाता है थोड़ा सा यू नो स्पीड अप, बैक टू बैक आप वेरिएशन ला रहे हो, स्पीड अप ला रहे हो। स्पीड और इमोशन ऑलवेज एक ब्लॉग को बहुत ही खास बनाता है, इंटरटेनिंग बनाता है और ऑफकोर्स उसको बहुत ही मज़ेदार बनाता है। सेकेंड इम्प्रूवमेंट दैट यू हैव टू डू, दैट इज अ वेरिएशन। गाइस, एक ऑडियंस का बेसिक जो रिटेंशन आता है आपका वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करके। अगर आपका वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, सुनते
सुनते एक मोनोटोनस एक मोनोटोनी आ जाता है ब्लॉग के ऊपर, जो ऑडियंस देख रहे हैं उसको भी ये सब चीज़ पता है। प्रॉब्लम क्या है, आपका जो ऑडियंस है, मेरा जो ऑडियंस है, उस सभी को सब कुछ पता है, वो कोई ज्ञान के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, आपके एडवाइस दे रहे हो इंटरेस्ट, दे वॉन्ट टू बी एंटरटेन। क्या आपका ब्लॉग में ऐसा वेरिएशन है जिसको देख कर एक ऑडियंस को इंटरेस्ट आ रहा है, उसका एक वेरिएशन देखो को मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो लोग कंटिन्यूस लोग देखेगा, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो टाइम की भी गारंटी बीच पे छोड़ के चला जाएगा। सो गाइस, यू हैव टू फोकस ऑन वेरी सिंपल थिंग, वेरिएशन लाना है, शिफ्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको उठाना है, डिफरेंट तरीके से बोलना है। कैसे वेरिएशन करोगे, ऑल अप टू यू। ऐसे लोग देख रहे हैं इसको भी आपको ब्लॉग के अंदर डालना है, क्योंकि वेरिएशन इसमें आ जाता है, लोग को मज़ा आता है, आपको भी और जो देखने वाले देखी। अगर वेरिएशन ठीक ठाक है तो आपका ब्लॉग 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, कितने भी है, 20 मिनट का भी ब्लॉग है तो सक्सेसफुल ब्लॉग, ये मान के चलो लोग नहीं छोड़ के जाएगा। पर एक चीज़ के ऊपर, अगर एक चीज़ के ऊपर बार बार रिपीटेशन कर रहे हो, आफ्टर सर्टेन टाइम लोग सोचेंगे ये फालतू में बकवास कर रहे हैं, इसको छोड़ के चला जाना ही बेहतर होगा। हाँ भाई, कहाँ है? अरे नहीं नहीं, अभी मैं आ नहीं सकता हूँ। अरे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ व्लॉग। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, छोड़, बाद में बात करता हूँ। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन था, जाने के लिए बोल रहा था, बट मैं नहीं गया आपको छोड़कर। झूठ बोल रहा हूँ, कोई फ़ोन में नहीं था, जस्ट एक ट्विस्ट देने के लिए कोशिश की, आपको समझाने के लिए। गाइस, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन। देखो, बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, आप जब बात कर रहे हो क्या पूरा बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो टू बी कनेक्टेड विथ योर ऑडियंस। सपोज आई एम यूजिंग माई हैंड, आई एम यूजिंग माई एक्सप्रेशन, ऑल्सो आई एम यूजिंग माई वोकल पावर, माई वॉइस अप्स एंड डाउन हो रहा है कंटिन्यूसली टू बी रिलेटेड। अगर आप बात करो बहुत ही मोनोटोनस टोन में, डर डर के, कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से, अगर ऐसे क्लाइमेक्स आप नहीं ला सकते हो बात करने के तरीके से, सो लोग विल फील, पीपल विल फील सो मोनोटोनी, उसको ज़्यादा देर तक आप रिटेंशन करके नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर में हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन व्लॉग बनाने के एक चस्का चाहिए आपके अंदर। कैसे आप बहुत इंटरटेनिंग स्टाइल से बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, आप एक अच्छा मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करके आपका व्लॉग को प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों, व्लॉग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहला चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा, आप जो स्टोरी के ऊपर व्लॉग बना रहे हो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कितना इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, कोई भी ऑडियंस आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, आप शाहरुख नहीं हो, आप सलमान नहीं हो, आप मुंबई का निखिल और फ्लाइंग विज भी नहीं हो, तो क्यों आपको देखेगा, आपको देखेगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो गाइस, जब आप व्लॉग बना रहे हो तो सोचो किस टॉपिक में बना रहे हो और उस टॉपिक के ऊपर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन कब दे रहे हो, बैक टू बैक। अगर बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ, एक डिसकनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और व्लॉग को बीच में ही छोड़कर आपका व्यूअर्स चला जाएगा। सो माई लवली फ्रेंड्स, ये था बेसिक एक आइडिया अबाउट द व्लॉगिंग, व्लॉगिंग को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि सब व्लॉग कुछ भी बना लो आपका वीडियो यूट्यूब सजेशन में नहीं आएगा जब तक आप अट्रैक्टिव व्लॉग नहीं बना रहे हो, क्योंकि अट्रैक्टिव व्लॉग से ही वॉच टाइम बढ़ता है, अट्रैक्टिव व्लॉग से ही सब्सक्राइबर बेस आ जाता है। तो इसीलिए अट्रैक्टिव व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी आपको मदद मिल जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड विद लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू वंस अगेन। फालतू में बाइक वहाँ है, यहाँ तक दौड़ के आना पड़ा टू मेक यू एंटरटेन।